Hello everyone, welcome back to Food Mood Original. Aaj hum bana rahe hain Keemay Kay samosay. It's one of the requested recipes on my channel. Aur hum banayenge ye iftar special recipe homemade samosa sheets ke saath. Jiski recipe maine lately aapke saath share ki hai. Main description mein and I button mein link add karungi iska, aap dekh ke bana sakte hain. So start karte hain Keemay ki filling se. Maine liya hai yahan pe 2 tablespoon oil. और उसमें डाल रही हूँ मैं अपना मटन कीमा. आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं. हम कीमे को रफली यूँ ब्रेक कर लेते हैं और इसको हम कुक करेंगे इसके कलर चेंज होने तक. एज सुन एज इसका कलर चेंज होता है हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और पर टेस्ट नमक. लाल मिर्च पाउडर डालूंगी मैं आधा टीस्पून और कुटी लाल मिर्च आधा टेबलस्पून और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टीस्पून. इस सब को हम मिक्स कर लेते हैं. हम इसको कुक करेंगे फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स जब तक कि स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं. फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें और एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज. प्याज की क्वांटिटी हम कीमे में ज़्यादा रखेंगे क्योंकि उसके मॉइस्चर से उसके फ्लेवर से कीमा बहुत अच्छा सा कुक होगा, अदरवाइज़ वो ड्राई और रूखा सा हो जाएगा. यूँ हम इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 5 मिनट तक कुक करेंगे और फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिए के और इसको मिक्स किया. स्टोव को अब हम कर देंगे ऑफ और समोसों के लिए हमारा कीमा जो है वो डन हो गया है. इसे हम थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे और इधर बना लेते हैं एक फ्लावर स्लरी या ग्लू. हमने 2 टेबलस्पून मैदे के साथ एज रिक्वायर्ड पानी आप ऐड कर लें और स्मूथली मिक्स कर लें. बस अब हमारे पास ये हैं होम मेड समोसा शीट्स. रेसिपी अगेन इज इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड समोसा फोल्डिंग के लिए हम इसे थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, एक ट्रायंगल की फॉर्म में ले आएंगे कि हमारे पास एक कोन सी बन जाए और फिर इसमें अपनी स्टफिंग फिल इन करेंगे फॉर अबाउट 2 टेबलस्पून्स. और ये जो हमारी बाकी शीट है इस पर हम अपनी स्लरी अप्लाई करेंगे, अच्छी तरह से इसे ब्रश करेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे कि हमारी एंड टू एंड कॉर्नर्स बन जाएँ. Just like that. And हमारे सारे समोसे डन हैं. इनको अब हम फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे. एंड समोसे फ्राई करते हुए आप कॉन्स्टेंटली अपना स्पून जो है वो चलाते रहें और इसकी साइड्स को फ्लिप करते रहें. हम वेट नहीं करेंगे कि एक साइड पे कलर आएगा तो साइड इसकी फ्लिप करेंगे. आप कॉन्स्टेंटली आप इनको चेंज करते रहेंगे साइड्स अंटिल बहुत नाइस क्रिस्प एंड गोल्डन कलर आ जाए. तो हम इनको रिमूव कर लेते हैं एक पेपर टावल पे. Likewise हम बाकी समोसे भी फ्राई कर लेते हैं और ये डन हो गए हैं. ओके, जो हमने समोसा शीट्स की कटिंग की थी साइज़ जो लेफ्ट ओवर हमारे पास एजेस थे हमने उनको भी वेस्ट नहीं करना. हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं इस तरह से और आपके पास बहुत अच्छी सी क्रिस्पीज या पापड़ी जो है वो रेडी हो जाएगी. आप उसे समोसा चाट में या चना चाट में दही भल्लों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं. बस आप इसको फ्राई होने के बाद निकाल लें और एक प्लास्टिक रैप में इसी तरह से फ्रीज कर लें सो दैट नथिंग इज़ वेस्टेड. एंड हार्डली हमारे 20 मिनट में ये समोसे डन हो गए हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी हमारे पास फ्रीज़र में होममेड समोसा शीट्स थी उनको हमने यूज़ किया है. अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत मज़े के भी. मैंने आलू के समोसे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है, आप डिस्क्रिप्शन से उसको भी चेक कर सकते हैं. सो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें दिस रमजान और मुझे इसका फीडबैक दें. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.